रिसेंटली ऑब्वियसली एक मूवी है एनिमल, वो जो एक रोल मैंने किया बॉबी डील की वाइफ नंबर टू, सब लोग जानते हैं वो जमाल जमालो सॉन्ग, तो वो काफ़ी वायरल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रोल एक्चुअली मैंने मिली फरवरी 2023 में, मैं पाकिस्तान में थी उस वक्त, पेशावर में थी, एंड मेरी एक मैसेज आई मेरे फ़ोन पर फ्रॉम लंदन फ्रॉम माई एजेंट, उन्होंने कहा एक रोल है और इंटरेस्टेड हूँ बॉलीवुड मूवी, आई वाज लाइक बिल्कुल ऑफ कोर्स, लेकिन वो जो रोल था ना वो पहले आई वो वाइफ नंबर थ्री के लिए था और वो एक सीन है जो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। एनीवे मैंने सिर्फ हाँ कह दिया क्योंकि यू हैव टू से यस टू द अपॉर्चुनिटी एंड फिगर आउट हाउ लेटर। ऑडिशन ले लिया मैंने, उसके बाद उन्होंने कहा हफ्ते के बाद उन्होंने कहा ओके आप रोल एक रोल है आपके लिए और वाइफ नंबर टू है, तो आई वाज लाइक ठीक है फिर। तो उसके बाद हमने शूट किया अप्रैल में और मूवी आई सिनेमाज में दिसंबर में, लेकिन जब वो मूवी आई ना मैं जानती नहीं थी उनका पूरी कहानी, यू नो वो काफ़ी इंटरेस्टिंगली क्रेजी मूवी है, काफ़ी एक्शन है इसमें। जब मैंने काम किया बॉबी डील के साथ और रणबीर कपूर के साथ वो बिल्कुल हम्बल था, यू नो मैं आर्टिस्ट हूँ वो भी आर्टिस्ट है, यू नो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा फील करेंगे लाइक ओह माय गॉड वो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, यू नो, लेकिन जब हम पहुँच गए सेट पर बिल्कुल नॉर्मल था हमारे साथ, उनका पता था हमारे सीन टुगेदर है तो हम टीम है, यू नो लाइक चलो हम ये करेंगे ठीक है ओके ये सीन है चलो लेट्स गो। सो ऐसे फील होते हैं जब वो लोग उनका मुझे रिकगनाइज करते हैं तो वो कहते हैं हाँ हम सेल्फी ले सकते हैं आपके साथ, तो हम लाइक यार बिल्कुल ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, क्योंकि हम फैंस के बिना लाइक हम कुछ नहीं है ना, लाइक यू नो हम करते हैं ये काम एंड मैं खुश फील करती हूँ जो लोग वो अप्रिशिएट करते हैं आपका काम, लेकिन कभी कभी वो लोगों मुझे रिकगनाइज नहीं करते क्योंकि मेरे पास रोल था ना वो जो हिजाब के साथ थे ना, तो मैं काफ़ी अलग लगती हूँ हिजाब के बिना, लेकिन अच्छी लगती हूँ जब वो मुझे मेरे काम को पसंद करते हो, यू नो। इस इंडस्ट्री में आई एक्चुअली मेरे प्लान यही नहीं था, मैं सोच रही थी मैं डॉक्टर बन जाऊँ, लेकिन जब मैं 12 साल थी मेरी नानी उन्होंने सजेस्ट किया दैट आई स्टार्ट ड्रामा क्लासेस, यू नो कॉन्फिडेंस के लिए, एंड तो मैंने शुरू किया मेरे ड्रामा क्लासेस जब मैं 12 साल थी, एंड मैंने एक्चुअली रियलाइज किया दैट मेरी शौक है एक्टिंग में, एंड मैंने भी काम भी किया शाहरुख खान के साथ, एक एडवर्ट है चक 89, वो काफ़ी सालों के पहले मैंने किया, लेकिन अभी वो प्ले करते हैं क्योंकि रिसेंटली एक कॉन्सर्ट था आई थिंक आतिफ असलम था आई थिंक शायद यूके में दो हफ्ते से पहले, एंड मेरे दोस्त वहाँ गए उन्होंने कहा लाइक यू नो आप अभी तक आपका एडवर्ट शाहरुख खान के साथ है बिग स्क्रीन पर, तो उस लाइक ये अच्छी बात है ना ठीक है लोगों आपको सपोर्ट करते हैं और पसंद करते हैं आपका काम, तो एक्चुअली मेरी अम्मी को हाथ से, एंड सो मेरी अम्मी वो यूके से शिफ्ट हुआ जब वो छोटी थी ना, लेकिन मैं मुझे ये जानना चाहिए लाइक मेरी नानी इधर ही रहती है कुहार पेशावर कभी कभी इस्लामाबाद, तो मैं यहीं थी लास्ट ईयर टू विजिट हर, एंड मैंने नोटिस किया दैट पाकिस्तान बहुत प्यारी है माशाल्लाह, मैंने कुहार के पेशावर के इस्लामाबाद लाहौर और कहा अभी मैं कराची में हूँ तो जब मैं आई थी लास्ट टाइम आई रियली लाइक पाकिस्तान एक्चुअली, जब मैं वापस गई इंग्लैंड तो मैं रो रही थी कि हमारे पास पाकिस्तानी प्रोजेक्ट थी के में, और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है वहाँ और अच्छे हैं, लेकिन जब मैंने काम किया बॉलीवुड मूवी में ना वो काफ़ी प्रोफेशनल है क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री काफ़ी बड़े है ना, तो जब मैंने एनिमल शूट किया वो हम लंदन से बाहर थी लेकिन इंग्लैंड में थे ना, और वो सारी टीम लेके आई इंडिया से, वो सारे दादा शेफ्स कुक्स एवरीथिंग, लेकिन अभी तक लाइक आई सेड अभी तक मैंने काम नहीं किया पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह जब मैं काम करूँगी यहाँ देन मैं कंपेयर कर सकते हैं। मैसेज ये है दैट जो आपको करना चाहिए आपकी ज़िंदगी में ट्राई करो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है एक्चुअली लेकिन नेवर गिव अप व्हाटएवर जो आपके पैशन है, नेवर नेवर एवर गिव अप, क्योंकि एक दिन इंशाल्लाह यू विल रीच सक्सेस।